अगर आपको ये मेकअप पसंद आ रहा है और अगर आपको ग्लो करना है इस फेस्टिव सीजन तो ये वीडियो जरूर देखिए। हाय गाइज, माय नेम इज रोली, इन केस आपको नहीं पता। एंड मैं वीडियोस बनाती हूँ एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे अबाउट मदरहुड, लाइफस्टाइल एंड अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स। एंड आज मेरा वीडियो है अबाउट ग्लोइंग मेकअप फॉर फेस्टिव सीजन। मैं पिछले दो दिन बाद से जब मैंने मेकअप किया, आप सबने पूछा कि रोली तुम ग्लो कैसे कर रहे हो, एंड आज मैं आपको अपनी सीक्रेट बताऊंगी। मैं आज का अपना मेकअप सिर्फ ये प्रोडक्ट्स यूज करके करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका फेस क्लीन होना चाहिए एंड मॉइस्चराइज होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मिडिल ऑफ द डे में अपना मेकअप करती हूँ, तो उसमें मैं जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी वाइप से अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वो हल्का सा मॉइस्चराइजिंग भी होता है एंड ऑफकोर्स फेस को क्लीन भी कर देता है। माय फाउंडेशन आई एम यूजिंग द एस्टेल ऑरे, मुझे इसको ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आता, एस्टेल ऑर्डर डबल वेयर स्टे इन प्लेस मेकअप। ये बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है। मैं यूज़ करती हूँ द शेड 2W2 इन रतन। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फाउंडेशन इज़ कि आपको कंसीलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ये फुल कवरेज है, कंसीलर की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती एंड बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको यूज़ करना होता है, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है आपको बहुत देर तक। नॉट जस्ट द फैक्ट कि लॉन्ग लास्टिंग है एज इन बहुत आर्स तक आपके फेस में लगा रहेगा, बट ये बॉटल आपको बहुत टाइम तक चलेगी। नाउ मेरी सीक्रेट, जब मैं ये फाउंडेशन यूज़ करती हूँ तो मैं इसके साथ ये मिक्स करती हूँ। दिस इज़ द मास्टर स्ट्रोबिंग क्रीम फ्रॉम मेबेलिन न्यूयॉर्क एंड दिस इज़ इन द शेड न्यूड। मैं इसको बहुत स्लाइटली, अभी आप देखोगे, बहुत स्लाइटली मिक्स करती हूँ इन दोनों को टुगेदर एंड मैं अपना बेस इससे बनाती हूँ। उससे आपके फेस को बहुत ही नेचुरल ग्लो मिलता है, ऐसा लगता है अंदर से आप ग्लो कर रहे हो, और वो एक्स्ट्रा हाईलाइट जो चीक्स एंड यू नो नोज एंड ऑल पे इन्फ्लुएंसर्स लगाते हैं, जो नॉर्मल एवरीडे लाइफ में थोड़ा वियर्ड लगता है लगाना, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ ये दोनों प्रोडक्ट मिक्स कीजिए, अपने फेस पे पूरा लगाइए एंड आपका पूरा फेस बहुत अच्छे से ग्लो करेगा। और इन दोनों को लगाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ अपना पैक का फ्लॉकिंग ब्लेंडर। ये फ्लॉकिंग ब्लेंडर है, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर। ये क्या करता है, थोड़ा इसको टाइम लगता है प्रोडक्ट को लगाने में, क्योंकि ये प्रोडक्ट को स्प्रेड बिल्कुल नहीं करता, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सब जगह अपना प्रोडक्ट अच्छे से डॉट करो एंड उसके बाद इसको यूज़ करो। इसका फ़ायदा ये है कि ये प्रोडक्ट वेस्ट बिल्कुल नहीं जाने देता और आपको ज़्यादा कवरेज एक स्पेस में देने में हेल्प करेगा। अगर आपके पास नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर है तो ऑब्वियसली आप उससे यूज़ कर सकते हो, आपको ब्रश से करना है ब्रश से कर लो, मैं ये प्रेफर करती हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई डू, मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लेती हूँ अपने हाथ पे, बहुत ज़रा से ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा सा फाउंडेशन लिया, मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया आज, पर चलो कुछ नहीं होता। एंड हल्का सा इसमें इल्यूमिनेटर डाल दिया, पीछे आपको बिग बॉस की आवाज़ें आ रही होगी, मेरी पूरी फैमिली देख रही है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया दोनों को एंड बस अपनी फिंगर से ये मैंने डॉट अराउंड कर लिया अपने फेस के लिए, मैंने मेरा टर्न कर लिया अपनी तरफ। ये है कि मैं अपने फिंगर टिप पे काफ़ी कम प्रोडक्ट ले रही हूँ, इवन तो आपको लग रहा होगा कि मैं सब जगह बहुत सारा प्रोडक्ट डॉट के लगा रही हूँ, बट ये बहुत हल्के डॉट्स हैं, लाइक प्रोडक्ट इसमें थोड़ा थोड़ा ही है। देखिए मेरा फेस ऑलमोस्ट कवर हो गया, फिर भी काफ़ी प्रोडक्ट बचा हुआ है मेरे हाथ में, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही प्रोडक्ट डाल लिया है। तो हम इसकी बिल्कुल इस प्रोडक्ट में ज़रूरत नहीं होती कि आप सेकेंड लेयर करो, बट मैं करूँगी क्योंकि मेरे हाथ में प्रोडक्ट बच गया है। अब बस अपने फ्लॉकिंग ब्लेंडर से ब्लेंडर को बाउंस करूंगी अपने स्किन पे और ब्लेंड आउट करूंगी ये फाउंडेशन अपने स्किन में। फ्लॉकिंग ब्लेंडर का ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है अपना आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करने में, बट बेस्ट चीज़ ये होती है कि एक बार फाउंडेशन आपका ब्लेंड जहाँ हो गया वहाँ से वो हिलेगा नहीं। ये थोड़ा मैंने डैम्प किया है लाइक अ नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने से पहले। अब बस जो प्रोडक्ट मेरे हैंड में बचे उससे मैं हल्का सा अंडर आई पे भी यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ी कवरेज ज़्यादा आ जाए अराउंड माई माउथ, इधर माउथ एंड चिन के एरिया, यहाँ भी ये थोड़ा डार्क है, अराउंड माई नोज। बेसिकली जहाँ मैं कंसीलर यूज़ करूँगी वहाँ मैं बचा हुआ प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ अपने आईलिड्स पे। दैट्स इट, आपका बेस तैयार हो गया है। नाउ जब तक बेस सेट होता है मैं अपने आईब्रोज करूंगी एंड आईब्रोज के लिए आई यूज द बेनिफिट्स ब्राउजिंग्स। ये मैं अप्लाई करूंगी पैक के आईब्रो ब्रश से
इसमें एक वैक्स एंड एक पाउडर है, मैं बस एक बार इसमें डिप करूँगी एक बार इसमें डिप करूँगी, एंड मैं प्रॉपरली जैसे वो होता है ना ऐसे लाइन वाइन बना के वैसे नहीं करती हूँ, वो मेरे से नहीं हो पाता, हमेशा गड़बड़ हो जाती है। वट आई डू इसकी मैं स्पूली से पहले अपनी आईब्रोज सेट कर लेती हूँ एंड फिर डिप करके इसमें जहाँ भी मुझे लगे कि हेयर मिसिंग है वहाँ पे ऐड करती हूँ। बस एक बार जो गैप्स है वो फिल करने के बाद मैं स्पूली से उसको थोड़ा सा आईब्रोज में ब्लेंड आउट करूँगी। नेक्स्ट आई विल अप्लाई काजल। मुझे प्लम की ब्राउन एंड ब्लैक काजल दोनों काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं बारी बारी दोनों को यूज़ करती हूँ। आज यूज़ करते हैं ब्लैक। नाउ व्हाट आई लाइक टू डू इज़ जब मैं काजल लगाती हूँ कि मैं हाथ का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ जब आउटर एज में हो, और जैसे जैसे मैं इनर एज पे जाती रहती हूँ मैं अपना हाथ का प्रेशर थोड़ा लाइट कर लेती हूँ ताकि ऐसे ग्रेडेशन में थोड़ी काजल लग जाए कि बाहर थोड़ा डार्क और अंदर थोड़ा लाइट। कभी कभी होता है, कभी कभी ये बिल्कुल नहीं हो पाता है, बट मेरी कोशिश ये रहती है। उसके साथ साथ मैं अपने वाटर लाइन को हाफ वे लाइन कर लूंगी ताकि आईज थोड़ी सी ऐसे ड्रॉन्ड आउट लगे। इसके बाद मैं यूज करूंगी मस्कारा। मेरे करंट फेवरेट ये दो मस्कारा हैं, ये दोनों के दोनों मेबिलीन से हैं। दिस इज द फॉल्सीज वॉल्यूम एक्सप्रेस एंड ये है द फॉल्सीज पुशअप ड्रामा। तो डिपेंडिंग ऑन माई मूड मैं इनमें से कोई एक यूज करती हूँ। आज मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला द पुशअप ड्रामा, इसके लिए मुझे मिरर पास करना पड़ेगा। फॉर माई चीक्स आई यूज दिस पीच ब्लश, ये कालोबार से है एंड इसका नाम है कोरल क्रेविंग एंड ये बहुत सालों से मेरा फेवरेट ब्रश है, फेवरेट ब्लश है एंड इसके लिए मैं ये पैक का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ द नंबर 245। ये बहुत ही अच्छा टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश है एंड आई थिंक ये ब्लश के लिए नहीं है टिपिकली, बट मुझे इससे ब्लश लगाना बड़ा अच्छा लगता है। एंड जब मैं कॉन्टूर नहीं करती हूँ, जैसे मैं आज कॉन्टूर नहीं कर रही हूँ, आजकल मुझे कॉन्टूरिंग ज़्यादा पसंद आ नहीं रही है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर नॉर्मल से ब्लश लगाती हूँ ताकि वो लाइक ऐसे लगे चीक बोन्स थोड़ी सी उठी हुई हैं। तो कलर ले लिया टैप ऑफ एंड अगर मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा पिक कर लिया, जैसे मैंने इस बार दो बार कर लिया, तो मैं आगे से पीछे जाने की जगह पीछे से आगे लाती हूँ ताकि वो लाइक कम से ज़्यादा ब्लश हो, तो वो थोड़ा सा ऐसे यू नो इलोंगेशन टाइप लुक आए। तो अगेन विदाउट कॉन्टूरिंग फेस हल्का स्लिम लगे। आजकल मैं डिफरेंट ब्लश ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, अगर कोई ब्लश पैलेट हो और आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, या फिर कोई अच्छा ब्लश आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लाइक ये बहुत पुराना हो गया, आई एम प्रीटी श्योर एक्सपायर्ड है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मुझे चेंज करना है अपना ब्लश। एनी मैं डाउनवर्ड मोशन में इसको कर रही हूँ ताकि वो लाइक जैसे जब स्किन असली में ब्लश्ड स्किन होती है ना, तो थोड़ी ऐसी होती है कि ऊपर रेड होता है हल्का, नीचे लाइक कम रेड होता है, तो ऐसे ब्लश इफेक्ट आता है। तो इंस्टेड ऑफ ऐसे ऐसे मैं ऐसे मूवमेंट्स में कर रही हूँ। थोड़ा ब्लश सेटल डाउन भी होता है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लश इफेक्ट रहे तो हल्का नॉर्मल से आप ज़्यादा ब्लश लगाओ, क्योंकि विद इन हाफ एन आवर जब वो सेटल डाउन हो जाएगा ना तो वो कम हो ही जाता है। नाउ नेक्स्ट, ये दोनों मेरे मोस्ट फेवरेट लिप कलर्स हैं प्रेजेंटली। दिस इज़ द हुडा ब्यूटी लिक्विड लिपस्टिक्स, वन इज़ इन द कलर आइकॉन एंड दूसरा है ट्रेंड सेटर। दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों हल्के सिमिलर हैं, बट ट्रेंड सेटर इज़ मोर लाइक जैसे मेरे लिप्स अभी लग रहे हैं ना दैट, बट लाइक इन अ बेटर वे, एंड आइकॉन इज हैज़ लाइक अ स्लाइट पिंकिश टच टू इट। तो मैं अभी आइकॉन लगा के आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी फेमस कलर भी है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर स्किन टोन के साथ जाता है। ये मैट है, अभी थोड़ी देर में ये अपने आप डल डाउन होके मैट हो जाएगा, बट ये कलर स्टेप लाइक आपके लिप्स पे रहता है, ये इतने इजीली नहीं निकलता, इसका लॉन्ग स्टे है एंड द बेस्ट थिंग इज़ ये बहुत स्लाइटली पिंकी कलर है, तो ऐसा लगता भी है कि आप तैयार हो और ऐसा भी लगता है कि जिससे पता नहीं शादी के लिए तैयार हो गए हो आप। तो आई रियली पर्सनली लव इट। ये सब करने के बाद आई जस्ट लाइक टू फिनिश इट ऑफ विद अ मेकअप फिनिशिंग स्प्रे। दिस इज़ द मैट फिनिशिंग स्प्रे बाय NYX।
बस अब वेट करेंगे इसको ड्राई ऑफ होने के लिए एंड देन वी आर डन. अब अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मेरी स्किन अपने से ग्लो कर रही है. आपके सामने है, मैंने कोई हाइलाइटर अलग से ऊपर नहीं लगाया है, बट स्किन में वो इंटरनल ग्लो आ रहा है. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई होप कि आप इससे कुछ सीख गए होंगे. एंड इफ यू डिड, तो इस वीडियो को बहुत बड़ा सा थम्स अप जरूर देना. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना. उसके बगल में छोटी सी नोटिफिकेशन बेल है, उसको दबा देना. एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय.